शीत सत्र का पहला दिन विधायक नवाब मलिक के नाम रहा। नवाब मलिक अजित पवार गुट के साथ बैठे दिखाई दिए तो विरोधियों ने सत्ता पक्ष पर प्रहार किया। ऐसे में दूसरे दिन नवाब मलिक की क्या भूमिका रहेगी, इस पर सबकी नजरें टिकी हुई थी। दूसरे दिन भी नवाब मलिक विधान भवन परिसर में दिखाई दिए, जिसका जायजा हमारे संवाददाता ने लिया। शीत सत्र का पहला दिन गुंजा वो विधायक नवाब मलिक के प्रवेश से। शीत सत्र के पहले ही दिन है विधायक नवाब मलिक विधान भवन परिसर में शामिल हुए और सदन के अजित पवार गुट के आखिरी बेंच पर जाकर बैठ गए। नवाब मलिक के प्रवेश के बाद ही विरोधों ने सत्ता पक्ष पर वार करना शुरू कर दिया। सत्ता पक्ष का कहना था कि पहले नवाब मलिक के विरोध में ही बोलने वाले सत्ता पक्ष अभी उनको अपने ही सत्ता पक्ष में कैसे प्रवेश कर सका प्रवेश दिला सकते हैं। इसके ऊपर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी करारा जवाब दिया था। आज सदन का दूसरा दिन है, आज यही देखना था कि नवाब मलिक की भूमिका क्या रहती है। अभी फिलहाल हम अजित पवार गुट राष्ट्रवादी के कार्यालय के सामने खड़े हैं। आप देख सकते हो यही वो कार्यालय है जहां अजित पवार गुट राष्ट्रवादी को दिया गया है। इसी कार्यालय के अंदर आज फिर से नवाब मलिक ने प्रवेश कर कार्यालय के अंदर बैठे हुए हैं। अभी इस नवाब मलिक के विधायक नवाब मलिक के भूमिका के बाद अजित पवार गुट की ओर से क्या जवाब आता है और क्या स्पष्टीकरण मिलता है, ये देखना होगा।